नमस्कार दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 750 मिलियन से ज्यादा लोग स्नैपचैट का यूज करते हैं और डेली 5 मिलियन से ज्यादा स्नैप भेजे भी जाते हैं। हो सकता है कि आप भी उन 750 मिलियन में से एक हो। आजकल ये देखा जाता है कि किसी रेस्टोरेंट में लोग स्नैप्स पहले भेज देते हैं और खाना बाद में खाते हैं। इवन खाना खाने से लेकर उठने बैठने सभी चीज के स्नैप्स भेजते हैं। नींद से उठ गए तो स्नैप, सोने गए तो स्नैप, मूवी देखने गए तो स्नैप, और कुछ नहीं किए अगर तो ब्लैंक स्नैप ही भेज देते हैं। लेकिन स्नैप भेजते ही भेजते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ऐप जिसमें सिर्फ एक कैमरा और ढेर सारे फिल्टर लगे हुए हैं, वो कैसे लोगों को अपनी ऐप की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? आप स्नैपचैट के जो फिल्टर्स यूज करते हो, दोस्तों के साथ स्ट्रिक्स को मेंटेन करते हो, ये सब आपके लिए नॉर्मल से फीचर होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि स्नैपचैट इन फीचर का यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। इन्हीं फीचर के यूज से स्नैपचैट ने 2022 में 4.6 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये आता है कि लोग स्नैपचैट में इतने एडिक्टेड क्यों हो चुके हैं, या स्नैपचैट ने ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाई है कि लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं? और देखा जाए तो इंस्टाग्राम और फेसबुक भी वही फिल्टर्स दे रहे हैं जो स्नैपचैट दे रहा है, लेकिन लोग स्नैपचैट ही ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं? आइए आज के इस वीडियो में स्नैपचैट की स्ट्रेटेजीज को समझते हैं। थैंक गॉड, आग खुल गई। अगर 10 मिनट लेट हो जाता था तो आज स्नैपस्टिक टूट ही जाती थी। साल 2011 में इवान स्पिगल, बार्बी मर्फी और रेजी ब्राउन तीन दोस्तों ने मिलकर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पिकाबू नाम का iOS ऐप बनाया। अनफॉर्चुनेटली पहले महीने तक इस ऐप में 127 यूजर ही आते हैं। 2012 में ये तीनों इस ऐप का पिकाबू नाम से बदलकर स्नैपचैट रख देते हैं और इसे एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल करा देते हैं। देखते ही देखते एक साल में ही 1 लाख से ज्यादा यूजर्स हो जाते हैं। और दोस्तों, आज की डेट में ये नंबर 750 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। दोस्तों, स्नैपचैट की ग्रोथ इतनी फास्ट हुई थी कि ट्विटर ने 4 साल में जितने यूजर एक्वायर किए थे, स्नैपचैट ने 1 साल में ही उतना एक्वायर कर लिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे ऐप पर अगर आप एडिक्टेड हो भी जाते हैं तो ये बात समझ में आती है कि चलो यार, एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म से कोई एजुकेट हो रहे हैं, या फेमस हो रहे हैं, या फिर पैसे कमा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा ऐप जिस पर आप अगर दिन भर भी लगे रहे तो ना ही कुछ सीखने को मिल रहा है और ना ही कोई पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों, स्नैपचैट अपने यूजर्स को कैसे हुक करके रखता है, ये समझने से पहले ये जान लेते कि स्नैपचैट अपने यूजर्स को क्यों हुक करके रखा है। दरअसल स्नैपचैट का कस्टमर सेगमेंट बेसिकली दो टाइप का है, जिसमें 50% तो यूजर हैं और 50% उनके एडवर्टाइजर हैं। दोस्तों, स्नैपचैट का 99% रिवेन्यू अकेले एडवर्टाइजिंग से ही आता है, और ये कॉमन सी बात है कि एडवर्टाइजर अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किसी ऐप के पास तभी जाएंगे जब उस ऐप में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव यूजर्स होंगे। एग्जांपल के लिए, साल 2016 में टाको बेल, जो कि एक फास्ट फूड चैन है, उन्होंने अपना फिल्टर स्नैपचैट में ऐड करने के लिए उन्हें $7,50,000 पे किए थे और एक ही दिन में उनके ऐड में 224 मिलियन व्यूज भी आ गए थे। मतलब स्नैपचैट को मोटा पैसा बनाना है तो उन्हें अपने यूजर्स को हुक करके रखना जरूरी है। दोस्तों, आजकल काफी फनी इंसिडेंट भी होते हैं, ये कुछ लोगों की रियलिटी भी हो सकती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त बढ़िया स्ट्रीट फूड बड़ा पाव खा रहे थे, लेकिन वो दोनों आगे जाते टाइम एक महंगे कैफे के पास रुकते हैं और उसमें से एक लड़के ने उस कैफे की फोटो ली और उसे शेयर कर दिया ताकि लोगों को लगे कि वो ऐसे महंगे कैफे या होटल्स में खाना खाता है, जबकि वो बड़ा पाव ही खा कर आ रहे थे। बाय द वे दोस्तों, ऐसा झूठा दिखावा करना मेरे ओपिनियन में तो गुड हैबिट नहीं है। दोस्तों, आज की जनरेशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे कोई ना कोई जरूर होंगे जो स्नैपचैट में इस लेवल तक एडिक्टेड होंगे। तो अब जानते हैं कि स्नैपचैट की वो तीन माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजीज क्या है जिसका यूज करके स्नैपचैट अपने यूजर्स को हुक करके रखा है। और थर्ड स्ट्रेटेजी जो है द फिश हुक स्ट्रेटेजी, काफी मेन रोल प्ले करती है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है डिस्कवर सेक्शन। साल 2015 में स्नैपचैट ने अपने ऐप में डिस्कवर नाम का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था। इस डिस्कवर सेक्शन को इंट्रोड्यूस करते ही स्नैपचैट के वीडियो व्यूज में मई 2015 से मई 2016 तक, मतलब सिर्फ एक ही साल में 400% की ग्रोथ हुई थी। बट क्वेश्चन ये है कि स्नैपचैट के इस डिस्कवर सेक्शन में क्या था।
तो देखो डिस्कवर सेक्शन को लेकर स्नैपचैट ने एक गेम खेला था। इन्होंने कुछ बड़े बड़े चैनल के साथ टाई अप करके इस डिस्कवर सेक्शन में कंटेंट अपलोड करने के लिए कहा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इस सेक्शन में स्नैपचैट गंदी पोस्ट दिखाने लगा जिसे इस वीडियो में दिखाया भी नहीं जा सकता। और देखा जाए तो स्नैपचैट की 20% ऑडियंस 13 से 17 साल के बीच के हैं, मतलब अंडर 18 ही हैं। लेकिन फिर भी स्नैपचैट अपने ऑडियंस को हुक करके रखने के लिए ऐसी एडल्ट पोस्ट या वीडियो रिकमेंड करता है। अगर आपने भी ये कभी नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर बताइए। सेकेंड स्ट्रेटेजी है माई AI चैटबॉट। 27 फरवरी 2023 को स्नैपचैट ने माई AI चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया था। देखते ही देखते 15 करोड़ लोगों ने इस चैटबॉट को 10 बिलियन मैसेज भेज दिए थे। लेकिन इससे कुछ शॉकिंग रिजल्ट भी सामने आए थे। जब ऑडियंस ने चैटबॉट से अपना लोकेशन पूछा तो उसने कहा कि वह नहीं जानता, बट ऑडियंस ने अपने नियर बाई होटल के बारे में पूछा तो पूरी कुंडली निकाल कर दे दी। दोस्तों स्नैपचैट में AI चैटबॉट से आप जितनी भी कन्वर्सेशन करते हो स्नैपचैट उसे अपनी डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। लेकिन इससे स्नैपचैट का क्या फायदा? दरअसल दोस्तों आप AI चैटबॉट से जैसा भी बातचीत करते हैं स्नैपचैट उसे उसी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और आपको आप ही के अकॉर्डिंग एड दिखाते हैं। ऐसा करने के लिए स्नैपचैट ने AI चैटबॉट को इस तरीके से ट्रेन किया है कि जितनी प्यार से आपको गर्लफ्रेंड बात नहीं करती है उससे ज्यादा प्यार से आपको AI चैटबॉट करता है। थर्ड स्ट्रेटेजी है फिश हुक स्ट्रेटेजी, जो कि सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है। जैसे मछली को हुक में फंसाने के लिए चारा लगाया जाता है जिससे मछली अट्रैक्ट होकर हुक में फंस जाती है, ठीक वैसे ही स्नैपचैट ने 5 अप्रैल 2015 को स्नैप स्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया था। रिसेंटली एक न्यूज में ये देखा गया कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्स का रिकॉर्ड लॉरेन लकी और हैना इन दो दोस्तों के नाम पर है। ये दोनों 5 अप्रैल 2015 से लेकर आज तक अपने स्नैप स्ट्रिक को मेंटेन करके रखे हैं। ये बात थोड़ी सी शॉकिंग है, इसलिए नहीं कि इतने दिनों तक स्ट्रिक चली बल्कि इसलिए कि ये बात भी न्यूज पे छप गई। मतलब क्या आपने ये नोटिस किया कि स्नैपचैट कैसे फेक सेटिस्फेक्शन देखकर लोगों को अपनी तरह हुक करके रखा है? कुछ साइकेट्रिस्ट का ये भी मानना है कि काफी सारे टीनएजर्स स्नैपचैट से डरे रहते हैं कि उनकी स्ट्रिक ब्रेक ना हो जाए। एक न्यूज तो ये भी सामने आई थी कि एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था लेकिन उसने अपनी स्नैपचैट की आईडी अपने भाई को दे दी थी ताकि वो उसे लॉगिन करके उसकी स्ट्रिक मेंटेन करके रखे रहे। दोस्तों आपको स्नैपचैट यूज करना है या नहीं ये कहने वाला मैं कोई नहीं होता, ये तो आप पर ही डिपेंड करता है। स्नैपचैट ही नहीं अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आपको उसका पर्पस ढूंढना चाहिए कि आप किस लिए उसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर सोशल मीडिया में एक गुड इफेक्ट भी होता है और एक बैड इफेक्ट भी होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस इफेक्ट पे जाना चाहते हैं। दोस्तों स्नैपचैट के बारे में बनाई गई ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।